हेलो क्लास, वेलकम यू ऑल। आज हम यूनिट टू, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड एंड द लर्निंग आउटकम्स, हाउ टू एनालाइज डाटा यूजिंग सिनारियोस एंड गोल सीक के प्रैक्टिकल सेशन के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ टू यूज गोल सीक एंड सॉल्वर। सो इसके प्रैक्टिकल को करने के लिए हम ओपन ऑफिस सूट की एप्लीकेशन ओपन ऑफिस कैल्क का यूज कर रहे हैं। ऑफिस कैल्क विंडो, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल पहले से ही रेडी करके रखा है। दिस इज द रिपोर्ट कार्ड एंड स्टूडेंट नेम इज जूही। इसके हिंदी में मार्क्स 50 है, इंग्लिश में 60, मैथ्स में 46, साइंस में 60, सोशल साइंस में 50 एंड आईटी का भी एग्जाम नहीं हुआ, तो इसके 0 मार्क्स शो कर रहा है एंड इसके टोटल मार्क्स आए हैं 266। ये कैसे आए हैं? नया फॉर्मूला लगा रखा है, इज इक्वल टू सम B3 टू B8 तक, यानी कि B3 से लेकर के B8 तक हमने सम का फॉर्मूला लगाया है, जिससे कि इसके टोटल मार्क्स इजीली कैलकुलेट हो सके। सो हमारा टोटल मार्क्स स्टूडेंट के आए हैं 266 एंड परसेंटेज निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया है, इज इक्वल टू B9, यानी कि जो B9 हमारे टोटल मार्क्स हैं मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, सिक्स सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो हमारे 600 से हमने डिवाइड किया है, तो हमारा जो इसकी परसेंटेज आई है वो 44.3 आई है। अब जूही ये चाहती है कि मुझे 60% मार्क्स चाहिए, तो मैं आईआईटी में कितने स्कोर करूं? तो इसको समझने के लिए हम गोल सीक फंक्शन का यूज करेंगे। गोल सीक का मतलब क्या है? गोल सीक फीचर्स लेट यू एडजस्ट द वैल्यू यूज इन अ फॉर्मूला टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वैल्यूज में कितनी एडजस्टमेंट हो सकती है या कितनी हम करेंगे, एंड हमारा जो फॉर्मूला है हम उसका यूज करके चलेंगे। और पुट अनदर वे, गोल सीक डिटरमाइंस इनपुट वैल्यूज नीडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए इनपुट वैल्यूज में हमें कितना चेंज चाहिए, वो हम गोल सीक फंक्शन से यूज करके समझेंगे। सो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले टूल्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड टूल्स मेन्यू पर जाने के बाद हम गोल सीक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दिस इज गोल सीक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। इसको आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। फर्स्ट हमारा है फॉर्मूला सेल, यानी कि हमारा फॉर्मूला किस सेल में लगा हुआ है। मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जूही है उसके 44.3 मार्क्स आए हैं, बट वो चाहती है मेरे को 60% चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो मैं इस सेल पर क्लिक करूँगी, तो मेरी यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर्मूला सेल के अंदर B10 आ चुका है। अब मैं टारगेट वैल्यू कितनी चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि जूही के 60% मार्क्स आ जाएं। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि आईटी में कितने मार्क्स ले कि इसके 60% मार्क्स आ जाएं। तो वेरिएबल सेल के अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमें बता रहा है कि गोल सिक्स आपका सक्सेसफुल हो चुका है, आपको 94 मार्क्स लाने होंगे 60% के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये कहता है कि अगर जूही 94 मार्क्स ले आती है तो इसकी परसेंटेज 60 हो जाएगी। ओके, अब हम कोई और एग्जांपल करके देखते हैं। ये सीखते हैं, एग्जाम्पल रेडी करके रखा है, दैट इज अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2.5 है एंड टाइम पीरियड हमारा 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है फॉर्मूला लगा करके, B2 मल्टीप्लाई बाय B3 मल्टीप्लाई बाय B4 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। सो जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। मान लो मैं ये चाहती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे चाहिए 600, ओके 600 मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, ओके तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? अगर सिंपल इंटरेस्ट मुझे 600 चाहिए तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कितना होगा? तो मैं इसको समझती हूँ। गोल सीक से सबसे पहले मैं टूल्स पे जाऊंगी, गोल सीक पर क्लिक करूंगी, आपके सामने थ्री आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू, वेरिएबल सेल। फॉर्मूला सेल के अंदर हम अपने फॉर्मूला जहां पर हमने लगाया होता है उस सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ओके सो आप देख भी सकते हैं B5 आपको शो हो गया यहाँ पे। टारगेट वैल्यू, मैं कितनी वैल्यू चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरी 500 वैल्यू आ रही है वहाँ मेरी 600 आए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर।
सो मैं टारगेट में चाहती हूँ मेरा 600 शो हो, एंड कहाँ पर चेंज हो, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर चेंज हो, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया सेल को एंड ओके प्रेस कर दिया। सो ये कहता है 600 तब आएगा सिंपल इंटरेस्ट जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए, 12,000। तो ये हमारा है कि हम अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए क्या इनपुट वैल्यू में चेंजेस चाहते हैं, वो हमने किसे सीखा, गोल सिंक ऑप्शन से हम इजीली समझ सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो। नाउ वी स्टडी अबाउट सोल्वर। सोल्वर और गोल सिंक की फंक्शनैलिटी वैसे तो सेम है, बट गोल सिंक के अंदर अगर हम बात करें तो टूल्स के अंदर जा रहे थे तो हमारे पास 3 ही गोल सिंक डायलॉग बॉक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे थे, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। बट सोल्वर की अगर हम बात करें तो सोल्वर के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल कंडीशंस दिखाई देंगी जो हमारी सोल्वर में यूज होती हैं, तो उसका हम यूज करके देखते हैं। अभी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो 10,000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 है, टाइम पीरियड 2 है, इसके अकॉर्डिंग जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है दैट इज 700। अब मैं चाहती हूँ मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 800। ओके, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ चेंज हो कि हमारे यहाँ 800 आ जाए। तो मैं टूल्स में जाऊँगी, सॉल्वर में जाऊँगी एंड यहाँ से हमारा टारगेट सेल जो हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है हमारा फॉर्मूला, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू वैल्यू ऑफ के अंदर मैं कितनी वैल्यू चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ 800 आ जाए, मैं चाहती हूँ 800 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आए। और मैं कहाँ चेंजेस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे चेंजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आए, तो मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ इसे। तो 800 हमारा सिंपल इंटरेस्ट तब आएगा जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इस तरह से आप कहीं पर भी इसको चेंजेस करके देख सकते हैं। मान लो मैं चाहती हूँ मेरा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आए 900, तो 900 के लिए मैं चाहती हूँ मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ चेंजेस हो जाए, तो मैं टूल्स में जाऊँगी, सॉल्वर में जाऊँगी, टारगेट सेल में हमारा जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसको सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ में मैं कितनी वैल्यू चाहती हूँ, मैं 900 चाहती हूँ। और चेंजिंग सेल में किसको करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ चेंज हो, मैं सेल को सिलेक्ट करूंगी। अगर आप कुछ और कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। देन आप सॉल्व पर क्लिक करेंगे एंड रिजल्ट करेंगे। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 11,250 होता है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 900 आएगा। तो सॉल्वर और गोल सिक हमारा वैसे तो सेम है, बट कहाँ पर चेंजेस आए कि गोल सिक के अंदर हमारे पास कोई कंडीशंस नहीं थे, हमारे पास 3 ही मेथड थे अपने चेंज करने के लिए वैल्यूज को, एंड सॉल्वर के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है जिससे कि हम चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल सिक एंड सॉल्वर। ओके क्लास।